नमस्कार, बीडी न्यूज बिहार देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूँ मीनाक्षी ठाकुर। बिहार विधानसभा चुनाव की रणभेरे के बीच नॉमिनेशन की प्रक्रियाएं भी शुरू हो चुकी है। सभी दल के नेता नामांकन दाखिले में ही अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच बेगूसराय अनुमंडल कार्यालय में जदयू प्रत्याशी बोगो सिंह ने मटिहानी विधानसभा से नामांकन दाखिल करवाया है। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से 4 बार के विधायक रहे बोगो सिंह ने 5वीं बार नामांकन पर्चा भरा है। दिन के 12 बजे अपने सैकड़ों समर्थकों एवं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हर हर महादेव चौक से मेन रोड होते हुए अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन करवाया है और पार्टी कार्यकर्ता एवं समर्थकों ने सैकड़ों की संख्या में बाइक के साथ नामांकन कराने के लिए साथ निकले थे। रास्ते भर लोगों ने फूल मालाओं एवं अंग वस्त्र के साथ उनका स्वागत किया है। विक्ट्री साइन दिखाते हुए पूरे काफिले के साथ चल रहे थे। नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा और साथ ही बेगूसराय लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी से सीपीआई नेता कन्हैया कुमार को उन्होंने बंदर बताते हुए कहा कि बेगूसराय की जनता कन्हैया कुमार को 4 लाख से अधिक वोटों से हराकर घर भेज दी है। चुनाव हारने के बाद नजर नहीं आ रहा है उसे 4 कंधा तक देने वाला कोई नहीं बचा है। उन्होंने हर हर मोदी के राष्ट्रवादी विचारधारा एवं विकास पुरुष नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की है, तो आगे क्या कुछ भी उन्होंने कहा है देखिए इस रिपोर्ट में। ऊपर जो भी आरोप लगाते हैं, कैसा आरोप मालूम नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। बिहार की धरती पर पूरे देश में जन जन के नेता आदरणीय मोदी जी, राष्ट्रवाद के नेता और विकास के नेता, जो ऊपर पट्टी में दीप जलाने वाले विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार का कारवा पूरे बिहार में चला है। इस धरती पर कोई पैदा नहीं लिया जो विकास के रथ को रोक। रामो वामो कामो का खेल खत्म। इस बार क्या प्राथमिकता होगी इलाके में? कौन सा काम अधूरा रह गया जिसको आप पूरा करने का जनता को आश्वासन करने देंगे? अरे भैया, कोई काम अधूरा नहीं है। वेद को समझो, कुरान समझो, उपनिषद समझो, कितना किला सकता है। जब तक सांस तब तक समस्या, सांस है समस्या का समाधान होता रहेगा। सिर्फ पत्रकार बंधु से मेरा आग्रह है, जो कलम में नकारात्मक सहाय मत भरो। मटियानी विधानसभा में 43 पंचायत हैं, किसी पंचायत को चुन लो, पूरब जाओ, पश्चिम जाओ, उत्तर जाओ, दक्षिण जाओ, किसी पंचायत, 90% काम डन डन डन। सड़क का मामला उठाओ, 15 साल पहले पकुआ लगता था हमारे चचा चाची और भैया भाभी को, आज किसी को पकुआ नहीं लगता है। माई का बेटा पैदा लिया नीतीश कुमार, डोर टू डोर सड़क बना दिया। बिजली देखो ना, शामो चले जाओ डीरा में, मसूरना चले जाओ, बिहार में जो सबसे अत्यंत पिछड़ा गांव आपको नजर आवे, मटिहानी में जो सबसे अत्यंत पिछड़ा गांव नजर आवे, चिन्हित कर लो पत्रकार बंधु सब, वहां भी 18 से 20 घंटा बिजली भोगो सिंह और आदरणीय नीतीश कुमार के कारण पहुंचा हुआ है। विद्यालय देखना, चले जाओ झोपड़पट्टी इलाका में विद्यालय देखने के लिए, जिस गांव में सबसे खूबसूरत भवन नजर मिले, समझ लेना माँ सरस्वती का ये मंदिर है और बिहार और मटिहानी विधानसभा के मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग गरीब के बच्चे उस विद्यालय में बैठ के शिक्षण प्राप्त करते हैं। एक टेबल पर बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक ड्रेस में बैठते हैं, भोजन की व्यवस्था, पोशाक की व्यवस्था, साइकिल की व्यवस्था, क्या खोजते हो?
बिहार में विकास और मटिहानी में विकास की चर्चा करेंगे तो 3-4 दिन लग जाएंगे। अब रामो बामो कामों का आँख फूट गया, आँख में मोतियाबिंद हो गया, हम सब का डॉक्टर के यहाँ इलाज करावें। अभी तो चुनाव का संहिता है, हम बस खड़ा कर देंगे और सबको पटना ले जाके मोतियाबिंद को ऑपरेशन करा देंगे। काडो धूल में थोड़ा घूमने का काज करे और जानो बिहार का एकलौटा विधानसभा मटिहानी। हिमालय के तरह कठोर, हिमालय के तरह व्यक्तित्ववान शालीन मृदुभाषी मटिहानी। मटिहानी की धरती पर कोई जाति का जहर फैलाएगा, कोई धर्म का जहर फैलाएगा, मटिहानी विधानसभा रूपी पहाड़ हिमालय पहाड़ से उसको टकराना होगा और उसको गर्दनिया पासपोर्ट मटिहानी की धरती पर मिलेगी और फिर 5 साल वो अपन बीवी बच्चा सेवा करने के लिए जाएगा और फिर चुनाव को जब घोषणा होगा तो बरसाती में ढक तरह अंगा पेंट पहन के रोड पर चल आएगा। पूछो मटिहानी विधानसभा के चौहद्दी कहे पता, 43 पंचायत की चौहद्दी कहे पता, पूछो जाके उससे पूछो जो कीड़ा मकोड़ा और बरसाती में ढक नॉमिनेशन करने की तैयारी कर रहा है, उससे पूछो। ये भी पूछो भारतीय दर्शन क्या होता, भारतीय संस्कार क्या होता है, हिंदू का सनातन धर्म क्या कहता है, वेद क्या कहता है, कुरान क्या कहता है, ये भी पूछो और कहो किसी विद्यालय में जाके पढ़ने का प्रयास करें। कल तक जिस पार्टी में जो रहता है उसको कहता है ये हमारी मातृ संस्था, ये हमारी माँ है, और जब उसको टिकट नहीं मिलता है तो डिरियाना शुरू करता है, कोनो पार्टी से कोनो सीट चंबल लेकर चुनाव लड़ा चल जाओ, उस समय वो क्या हो जाता है माँ, पूछना जो 2 घंटा 4 घंटा हम जब पार्टी सिंबल नहीं दिया तो माँ कहाँ चली गई। लेकिन ये बेटा बोगो है, 2000 में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, पार्टी ने कहा तो उस लायक नहीं है, बैरंग घर आए। मटिहानी की धरती पर उतनी ताकत मुझे प्राप्त है जो हम किसी दल से सिंबल ले सकते थे, चरित्र को नहीं बेचा। 2005 में गए फिर सिंबल के लिए, पार्टी ने कहा नहीं उस लायक तुम नहीं हुआ है, रोते हुए घर चले आए, जनता की अदालत में आए, जनता ने कहा आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहे थे नेतृत्व क्षमता यदि कमजोर हो जाए, निर्णय लेने में असहजता महसूस करे तो कार्यकर्ता को रोड पर आना चाहिए, और उस समय मटिहानी विधानसभा के तमाम कार्यकर्ता ने निर्णय लिया कि भोगो सिंह आपने बेहतर डिसीजन लिया जो किसी दल में हुलुक बुलुक आपने नहीं किया, चलिए निर्दलीय लड़ेंगे। और चुनाव आयोग ने कप प्लेट दिया और कप प्लेट से मटिहानी की जनता ने इस बेटा को आशीर्वाद दिया। संजोग था, दुर्भाग्य था जो रामविलास जी के कारण पुनः चुनाव के मैदान में आना पड़ा। उन्होंने कहा सत्ता की चाबी मेरे जेबी में है, हम चबिया गंगा में फेंक देंगे फिर चुनाव हो गए। ऑल पार्टी बिहार की ने कहा आज भोगो तेरे को मैं टिकट, कहा नहीं बाबू भोगो को टिकट नहीं, मटिहानी की जनता को टिकट दीजिए। मटिहानी की जनता ने कहा बेटा तुमको निर्दलीय चुनाव जिता के भेज रहे हैं, लालू यादव तुमको ताज देगा उसको लात मारना और एनडीए और विकास को तुम आशीर्वाद देने का कार्य करना, मजबूत करना। मैं एनडीए के गोद में गया और 2005 में कहा पार्टी, मैंने कहा नहीं, मैंने अपने चचा चाची भाई भाभी को कहा जो निर्दलीय सेवा करूंगा, 5 साल हमको निर्दलीय करने दीजिए। एनडीए ने सपोर्ट कर दिया, जनता में उत्साह आ गई, फिर जनता ने आशीर्वाद की। तो भैया मैं चरित्र बेच के राजनीति करने के लिए पैदा नहीं लिया, मैं चरित्र की बात करता हूँ, भारतीय दर्शन की बात करता हूँ, भारतीय संस्कार की बात करता हूँ, मैं इधर उधर हुलुक बुलुक वाला
बेटा बेगूसराय में पैदा नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक आपके आपका वीडियो वायरल है, उसमें लोग आपको काफी पसंद कर रहे हैं, गीत भी गाकर सुना रहे हैं। कुछ और भी वीडियो वायरल हुआ है जहां लोग अभी भी आपसे अपेक्षा रखे हैं विकास की। देखिए इस खून में न हिंदू का खून है, न मुसलमान का खून, न पार्टी का खून। माँ दुर्गा का खून है, धरती माता का खून है और मटिहानी विधानसभा संस्कार का। जब तक सांस रहेंगे मटिहानी की धरती पर, जाति विहीन धर्म विहीन राजनीति होगी, सेवा होगी और हमारे लिए सब एक समान है। मटिहानी ही नहीं, पूरे जिला की नजर मटिहानी विधानसभा पर है। 100% लोगों का नैतिक समर्थन इस बेटे के साथ है। फिजिकल में 2-4% लोग रामो बामो कामो फेराम भटक जाते हैं, उनका भी मैं सम्मान करता हूं। मेरे दर पर जो भाई आएंगे, चाहे वो वामपंथ के हों, कांग्रेस के हों, राजद के हों, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे जदयू के हों, चाहे हम के हों, चाहे वीआईपी के हों, सबको ये बेटा भाई बन के ग्रास पानी पिलाने का काम। कई प्रखंड आज जब तक सांस है तब तक समस्या आएंगे। मैं देखता विकास का सिंगल पैमाना रोड नहीं हो सकता। आप चर्चा कर रहे हैं, मुझे मालूम है आप अस्वस्थ चर्चा करते हो, इसीलिए मैं कहता हूं स्वस्थ चर्चा करो। मैं एक जगह विफल हुआ हूं, जनता की अदालत में मुझे जो सजा मिलेगी एक्सेप्ट होगा। खड़गपुर, कासिमपुर, मठार, उसके लिए मुझे कितना बेलना बेलना पड़ा मैं जानता हूं। मैंने रोड सैंक्शन करा दिया। सरकार की सामर्थ्य नहीं है जो जमीन खरीद के रोड बनाए। गोरगामा के जमींदार का जमीन था, गोरगामा के लोगों ने कहा मैं अपने जमीन पर सड़क बनने नहीं दूंगा, गोली चली। मैं जनऊ दे के वातावरण को शांत किया, फिर मैंने अलाइनमेंट चेंज करवाया। उस टेंडर में आज भी मेरे लिए लोग पगड़ बन्ना लेके बैठा है, वो रामदीरी के विपिन सिंह ठेकेदार। 40 लाख रुपया उसका ब्लॉक करवाया, उसको ब्लैक लिस्टेड करवाया। जनता थोड़े पता आज बोगो कौन कौन बेलना बेल रहा है। उसके बाद अलाइनमेंट चेंज करा के फिर टेंडर कर काम शुरू। आधा काम हुए, अभी भी काम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना को बोगो सिंह लाया, नीतीश कुमार लाए, मोदी जी लाए। 6 महीना से कोरोना कारण कोई काम नहीं हुआ बिहार में, और यदि उसके बाद भी मतदाता मुझे सजा देंगे तो मैं उस सजा को सर आंखों पर लूंगा, सलाम पर। रामो बामो कामों से क्या मतलब हुआ? क्या रामो बामो कामों से? अरे यार, कोटवार जेल में चक्की चला पीस रहे हैं और पूरे परिवार कोटवार ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिजली लेल, सड़क लेल, पानी लेल, शिक्षा के लेल, गरीब के सेवा के लेल, मेवा के लेल। और हम जिस विद्यालय के स्टूडेंट हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के दामन पर इस देश में कोई माय का लाल दाग लगा दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। अन्य पार्टी को देखो ना, बेटा टिकट दे रहा है, बाप टिकट दे रहा है, भाई टिकट दे रहा है, दामाद को टिकट दे रहा है, बेच रहा है। और नीतीश कुमार ऐसा बेटा पैदा लिया इस धरती पर, ने भाई के सपने दिया, ने बहनों के सपने दिया, ने भगनों के सपने दिया, और झोपड़ पट्टी से उठा के कार्यकर्ता को सम्मान देने का काम। जिले में दिनकर विश्वविद्यालय की मांग उठ रही है, उस पर आपका क्या? स्वागत। यही बेटा पैदा लिया, ये अहंकार नहीं, ये कॉन्फिडेंस है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है। बोगो लाया मेडिकल कॉलेज नीतीश कुमार से लड़के, बोगो लाया इंजीनियरिंग कॉलेज नीतीश कुमार से लड़के, और बोगो कहा जो भी सांसद आपके हैं जो शौचालय मुटरा से रोड और पानी नहीं चाहिए, बेगूसराय स्वयं सक्षम है सब लेने में। जाइए दिल्ली, बामो कामो कोई बंदर आपको नहीं रोकेगा। शामों को मटिहानी से पर गंगा नदी पर पुल बनाइए,
54 साल पहले धुआं दिया रिफाइनरी, रिफाइनरी में पेट्रोल केमिकल्स लाई है, बेगूसराय की बेरोजगारी दूर होगी। और ये काम नहीं कीजिएगा तो पचमा साल भोगो सिंह बेगूसराय में घूम के गर्दनिया पासपोर्ट देने का कार्य करेगा, ये भोगो सिंह बोलता है। और मैं धन्यवाद देता हूँ माइक बेटा हरके सिंह बेगूसराय का लाल ने मंच पर कहा, भोगो बाबू चिंता मत कीजिए, 4 लाख से गिरिराज डाकू जीता के भेज दीजिए राकेश पुल, और पुल रास्ते पर खड़े हो गए। 3 साल के अंदर उस पुल पर मटिहानी और बेगूसराय और सामे के लोग दौड़ना शुरू कर देंगे। और पेट्रोल केमिकल्स के भी रास्ते प्रशस्त हो चुके हैं। हमारे पार्टी के राज्यसभा सदस्य आदरणीय आरसी पीबाबू डायरेक्ट धर्मेंद्र प्रधान जी से बात किए हैं, जो तेल शोधक कारखाना को पेट्रोल केमिकल्स शीघ्र हो इसके लिए रास्ता प्रशस्त की। बिहार में ये भी चलता है कि नीतीश कुमार की मजबूरी होती है कि बहुत ऐसे जगह हैं जिनको उम्मीदवार के रूप में खड़ा करना, जिसका उदाहरण आप भी हैं। नो 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 नो, नीतीश कुमार बिहार को जानते हैं, जन जन को जानते हैं, झोपड़ी को जानते हैं। नीतीश कुमार गोगो को टिकट नहीं देते, नीतीश कुमार मटिहानी के जनता को सम्मान देने का कार्य करते हैं। नीतीश कुमार के पास कोई मजबूरी नहीं है।